होटल वालों को ये पता था कि रात को 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, ये लड़कियां भी है साथ में, ये लोग कहाँ ही जाएंगे। उस चीज का उस बंदे ने इतना फायदा उठाया। चलो इसकी गुल्लक फोड़ते हैं और जितने भी पैसे होंगे उसका 10% मेरा। ना तुझे क्या लगता है इसके अंदर कितने पैसे होंगे? इस पे 5,000। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरा न्यू लुक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आप सबको मेरा न्यू लुक। आज हम सब जा रहे हैं दिल्ली, तो मेरे इस लुक के साथ मेरा दिल्ली व्लॉग स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले ममता अपनी गुल्लक फोड़ने वाली है जिसके अंदर वो पैसे जमा कर रही थी दिल्ली जाने के लिए। तो ये बेचारी कितने दिनों से पैसे जमा कर रही थी गुल्लक में कि जब हम दिल्ली जाएंगे तब मैं गुल्लक फोड़ूंगी। तो मुझे करनी थी शॉपिंग। हाँ, तो चलो इसकी गुल्लक फोड़ते हैं और जितने भी पैसे होंगे उसका 10% मेरा। 5%। 10% मेरा। अगर 5,000 रुपये तो कितने होंगे 5% के? होंगे 250-300 रुपये। चलो देखते हैं फिर। अगर तुझे क्या लगता है इसके अंदर कितने पैसे होंगे? इस पे 5,000। बस तूने इतने महीनों में बस 5,000 जमा करे? तुझे क्या लगता है? कम से कम 15-20,000 रुपए होंगे लग में। अगर मेरे हाथ में जो आएगा मैं तो वो ले लूंगा। जल्दी 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 इसमें जितना निकलेगा उसका 10% मेरा। जिसके हाथ में जो आ रहा वो निकाल लो। ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरे बड़े बड़े नोट होंगे। ये भी मेरा, ये भी मेरा, और ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। चलो वो पैसे कहाँ ले जा रहा? अभी देखते हैं इसमें कितने पैसे होंगे। 10,000 तो निकल ही जाए। 10,000 भी नहीं होंगे क्या? 10,000 तो होने चाहिए यार। कितने निकले तेरे पैसे? 15,300। 10,000 ज्यादा निकले, मैंने सोचा 5,000 होंगे। अब तो शॉपिंग, अब होगी दिल्ली में शॉपिंग। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मैं और शुभम ही सिर्फ जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि शाम के टाइम हमें करीब 5-6 बजे तक हमें निकलना है दिल्ली के लिए। और आज है, आज 9 तारीख है, तो 10 और 11 को है ममता का बर्थडे। तो वहाँ जाने के बाद तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो ममता को मैं ये बोल कर आई हूँ कि हम कुछ काम से जा रहे हैं, मैं और शुभम, कुछ गाड़ी का काम है, टैक्स वगैरह का, तो हम वो देखने जा रहे हैं। और हम लोग अभी सीधे जा रहे हैं इलांटे। कुछ टाइम पहले ना मैं और ममता इलांटे मॉल गए थे और वहाँ पर उसको एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी, लेकिन उस दिन वो उस ड्रेस को ले नहीं पाई। तो 3-4 दिन तक कम से कम वो मुझे बोल रही थी कि यार वो ड्रेस कितनी अच्छी है, उसको वो ड्रेस लेने का बहुत मन था। तो मैंने ये सोचा कि वो ही ड्रेस मैं उसको गिफ्ट करूँगी, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो अभी मैं और शुभम वहीं जा रहे हैं सीधा इलांटे मॉल। आई होप मुझे वो ड्रेस वहीं पर मिल जाए, और बहुत कुछ प्लान किया है उसके साथ, तो देखते हैं सब कुछ कैसा जाता है। तो अभी हम इलांटे पहुँच गए हैं और शुभम मेरे को भी करवाएगा ना तो शॉपिंग? हाँ बिल्कुल। कहाँ से करवाएगा? ज़ारा से। सगल भी देखी कभी तूने ज़ारा की? पहले गर्मी बोल मत, कतई अमीरों वाली फीलिंग आ रही मुझे। बस अभी हम जा रहे हैं ज़ारा में, बस आई होप मुझे वो ड्रेस मिल जाए वहाँ पे। यहाँ पे थी वो उस दिन, यहाँ पे तो है ही नहीं। सर जल्दी आई होगी, चल एक बार पूरा देख लेते हैं। नहीं, ग्रीन कलर की थी वो। ये वाली ड्रेस मुझे थोड़ा पसंद आई है अभी तक, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना नहीं यार, हमें कुछ भी नहीं मिला यार। और वो जो ड्रेस उसने पसंद की थी वो भी नहीं मिली, और मैंने सोचा कि अगर वो नहीं मिली तो मैं कोई पर्स या कोई हील वगैरह पसंद कर लूँगी, बट इस टाइम कलेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रखा है। मुझे वो चीज़ लेना पसंद है जो मुझे देखते ही पसंद आ जाए कि हाँ ये है और मैं इसे उठा लूँ, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा अभी तक। अभी हम लोग फिर मार्केट जा रहे हैं, सेक्टर 22 या 15 की जाते हैं, वहाँ पर कुछ देखते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, और अभी
5:30 बज चुके हैं और उसका मुझे मैसेज भी आ रहा है कि तुम लोग कब तक आओगे, और हम लोगों को अभी दिल्ली के लिए भी निकलना है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम ना उसी दिन के लिए नहीं रखना चाहिए, पर मेरे को टाइम भी नहीं मिला था खैर पहले जाने का। ये ले लूँ क्या उसके लिए? ममता तेरे को ये पसंद आएगा? बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 7:30 बज चुके हैं, अब जाके हम फ्री हुए हैं। और इतनी बुरी हालत हो गई ना हमारे पैरों की, पूरे मार्केट में घूम घूम के यार कलेक्शन ही नहीं आ रखा है, क्योंकि ये टाइम ना ऐसा है कि ना समर का कलेक्शन है ना विंटर का कलेक्शन है, तो इसलिए बहुत मुश्किल से हमें चीज़ें मिली है पैरों की, तो जो बुरी हालत हो गई है ना। और अब घर जा रहे हैं, घर जाने के बाद दिल्ली के लिए भी निकलना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी फटाफट हम लोग घर चलते हैं। फाइनली गाइस हमारी दिल्ली की ट्रिप स्टार्ट हो गई है और सारा सामान हमने रख दिया है गाड़ी में। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं ममता? पता नहीं है, 10:30 तो बज रहे होंगे। फ़ोन कहाँ है तेरा? मेरे पास नहीं है। तो अभी जब घर से निकले थे तो देखा था 10:30 तो बज ही गए थे, निकलते हुए मैं काफ़ी लेट हो गया है, पर चलो फाइनली हम जा रहे हैं आज ही। फाइनली आज ही जा रहे हैं, वरना हम सोचे थे कहीं कल ना जाए हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें, और कुछ ऐसा हो रहा था कि नेक्स्ट डे का प्लान फिर करते हैं कि आज रुक के कल जाते हैं, पर चलो आज ही निकल रहे हैं। सामान रख लिया? हाँ मैंने तो रख लिया मेन। मैंने अपने आईडी रख ली। हाँ आईडी सबकी रख ली ना? हाँ मैंने तो रख ली। चले फिर, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली। तो हम लोग कल रात दिल्ली पहुंच गए थे। इस बार फिर से हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। हुआ कुछ ऐसा कि कल हम जब चंडीगढ़ से निकले थे तो हमने कल मॉर्निंग में ही अपना होटल बुक कर दिया था। इस बार हमने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, लेकिन हमने होटल बुक कर दिया था और पेमेंट हमने होटल में आके करना था। 3:15 बज रहे थे जब हम रात पहुँचे, और हम चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ का होटल का लोकेशन डाल के ही आए। जब हम होटल की बुकिंग कर रहे थे तो हमें होटल का जो प्राइस है वो शो हो रहा था 1500 समथिंग, और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे कल रात, तो होटल वाले क्या कहते हैं कि हम रूम नहीं दे सकते क्योंकि 1500 समथिंग ये हमारा प्राइस नहीं है। उन्होंने जो हमें बताया वो था 2500 रुपये। हमारी उनसे कल बात भी हुई थी, बल्कि कॉल पे उनसे हमने ये पूछा कि हम आज रात को 3:30 तक पहुंच जाएंगे, हमने इस नाम से होटल की बुकिंग करी, हमने सब कुछ क्लियर किया। उन्होंने भी हाँ बोला कि हाँ इस नाम से बुकिंग है ये वो, और उन्होंने एक चीज़ हमें बोली कि आपने पेमेंट तो नहीं करी ना ऑनलाइन? मैंने कहा नहीं हमने पेमेंट ऑनलाइन नहीं करी। उन्होंने बोला ऑनलाइन मत करना, होटल पे आके ही आप पेमेंट करना। मैंने कहा ठीक है। और जब हम कल पहुँचे रात को तो फिर वो हमें ये बोलते हैं कि हम एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा ऐसा है और ये हमारी पेमेंट नहीं है, इतनी कम हमारी 2500 है। तो मैंने उनसे यही पूछा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब आपने मुझे ये बता दिया कि ऑनलाइन पेमेंट मत करना, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि वेबसाइट पे जो हमारा पेमेंट दिखा रहा होगा वो हमारा पेमेंट नहीं है, ठीक है, जो हम लोग पेमेंट लेते हैं वो एक्चुअल में ये है और हमारी पेमेंट ये। आपको हर चीज़ क्लियरिफाई करनी चाहिए क्योंकि टूरिस्ट अगर आ रहा है उसको नहीं पता कि भाई क्या दिक्कत है। होटल वालों को ये पता था कि रात को 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, ये लड़कियां भी हैं साथ में, ये लोग कहाँ ही जाएंगे। उस चीज़ का उस बंदे ने इतना फ़ायदा उठाया सच में, अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैं वहीं उसको छोड़ के आ जाती सीधा। हमें पता है क्या बोलता है कि आपने लेना है कि नहीं लेना है बता दो, वरना मेरे पास और भी बहुत कस्टमर्स हैं, मैं उनको दे दूँगा। ये चीज़ उन्होंने करी और इतनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। अभी मैं आपको होटल का टूर दिखाऊँगी। होटल की हालत इतनी गंदी, कहीं से टूटा फटा है, एसी सिर्फ नाम का है, कोई रिमोट नहीं, कोई सर्विस नहीं, पानी तो आ ही नहीं रहा था। अभी जब हम सुबह उठे हैं ना, हमने उन्हें इतनी बार बोला, इतनी गंदी सर्विस है ना यहाँ की। होटल देख के ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने टाइम से सफाई तक नहीं हो रखी होगी। बेड की हालत देख लो, ठीक है, ब्लैंकेट की हालत देख लो। मैं लिटरली मैंने ना रात में एक बार भी ये ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा, कसम से इतनी घिन आ रही थी मुझे हर चीज़ देख के।
सोफे इन्होंने यहाँ पे दे रखे। एक बार सोफे की हालत देख लो कि क्या हालत हो रखी है सोफे की। बेड की हालत देख लो, एसी की हालत देख लो, पंखे की हालत देखो आप। पहले पूरी रात ये पंखा इतनी आवाज़ करता रहा। एसी नहीं है भैया, पंखा तो चलाएंगे ही हम। पंखे की हालत भी इतनी बुरी हो रखी है, पूरी रात ये आवाज़ करता रहा। सच में यार, हम 3:30 बजे अगर आ रहे हैं तो एटलीस्ट चैन से सो जाएं, वो भी हमारे नसीब में नहीं हुआ कि हम चैन से सो पाएँ। पूरी रात ये पंखा इतनी आवाज़ करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है 2500 रुपये किस चीज़ के इन लोगों ने बोले, ना कोई सर्विस, ना कोई तरीके का होटल। तो गाइस अभी हम पहुंचे जो दिल्ली में लड़कियों की सबसे फेवरेट जगह है, सरोजनी मार्केट।